आज हम एनसीईआरटी के चैप्टर 2 भोजन के घटक के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, हमारे शरीर के विकास के लिए यह पांचों तत्वों का होना बहुत ही जरूरी है। वो पांच तत्व हैं कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स। यह हमारे तत्व हैं। पोषक तत्व पांच प्रकार के होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज। अब हम लोग देखेंगे कि किस भोजन को लेने से कौन सा पोषक तत्व प्राप्त होता है। तो सबसे पहले देखेंगे पोषक तत्वों का प्रकार और भोजन। पहला आता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हम लोगों को रोटी और चावल से मिलता है। सेकेंड आता है वसा। वसा हम लोगों को मक्खन, घी और क्रीम से मिलता है। थर्ड आता है प्रोटीन। प्रोटीन हम लोगों को दाल, मांस और अंडे से मिलता है। विटामिन, विटामिन हम लोगों को पपीते और गाजर से मिलता है। खनिज, ऊपर दिए गए सारे एग्जाम्पल तत्वों मतलब खनिज ही हैं। अब हम देखेंगे पोषक तत्वों की महत्व। सबसे पहले आता है कार्बोहाइड्रेट और वसा, हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने में मदद करती है। सेकेंड आता है प्रोटीन, हमारे शरीर के वृद्धि व मरम्मत में मदद करते हैं। थर्ड आता है विटामिन, हमारे शरीर को बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं। फोर्थ आता है खनिज, हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छी सेहत में मदद करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे विटामिन कई प्रकार के होते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई। अब हम देखेंगे संतुलित आहार किसे कहते हैं। संतुलित आहार का मतलब है हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों तथा जल उचित मात्रा में उपस्थित हो, उसे संतुलित आहार कहते हैं। अगर हमारे शरीर में लंबे समय तक उचित मात्रा में पोषक तत्व न मिले तो हमारा शरीर विशिष्ट रोग से उत्पन्न हो जाएगा। तो यह हमारा एनसीईआरटी चैप्टर 2 था। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।